नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। बिजनौर धामपुर एसडीएम रितु सिंह व चिकित्सा विभाग की टीम ने अफजलगढ़ में किया अवैध अस्पताल सीज। अफजलगढ़ सहित कई क्षेत्रों में सैकड़ों अवैध अस्पताल कुकुर मुत्तों की तरह फैल रहे हैं। वहीं यदा कदा कोई छापामारी चिकित्सा विभाग कर भी दे तो एक विभाग से फील गुड़ के बाद सप्ताह भर बाद से अस्पताल फिर से सुचारू हो जाता है, किंतु लगातार क्षेत्र में मिल रही शिकायतों के चलते उप जिलाधिकारी ऋतु चौधरी ने चिकित्सा विभाग पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ नगर के एक अस्पताल को सीज कर दिया। उप जिलाधिकारी के अनुसार अस्पताल बाहर बोर्ड पर अन्य किसी के नाम से व अंदर किसी अन्य नाम से चल रहा था। छापामारी के दौरान चिकित्सा विभाग की टीम ने आवश्यक दस्तावेज हासिल किए तथा अस्पताल को सीज कर दिया। मौके पर उप जिलाधिकारी सहित सीओ अर्चना सिंह, चिकित्सा प्रभारी खालिद अख्तर, डॉक्टर रजनीश कुमार सहित भारी पुलिस दल मौजूद रहा। एसडीएम ने बताया कि अवैध अस्पतालों के विरुद्ध अभियान चलता रहेगा। बाहर इमेज हॉस्पिटल, अंदर भैया जी हॉस्पिटल के नाम से प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा था। लगातार इसकी इल्लीगल गतिविधियों की सूचना हमारे पास प्राप्त हो रही थी। उसी सूचना के आधार पर आज इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। यहां आने के बाद पता चला कि किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं है और अंदर एक पेशेंट भी पाया गया जिसका किसी भी सर्जन के द्वारा ऑपरेशन नहीं किया गया। तत्काल मौके पर कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई आगे की जा रही है। धन्यवाद।